हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त हिमांशु दोगा। स्वागत है आपका हिमांशु इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज ही आप लोग देख सकते हैं क्लास डी 900 वाट के बोर्ड के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं। ठीक है, 900 प्लस 900 वाट का डबल चैनल का जो बोर्ड आता है, क्या है इसकी असलियत। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है इसका असली सच और इसके फुल कनेक्शन देखेंगे, फुल डिटेल देखेंगे आज आप इस वीडियो में। ठीक है, और आप इस पर कितने बड़े स्पीकर चला सकते हो, कितने स्पीकर चला सकते हो। ठीक है, और आपको इसमें कौन सी सप्लाई देनी है, कौन सा ट्रांसफार्मर लगाना है, और फिर बोर्ड कैसा है कैसा नहीं है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, फिर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्लास डी 900 प्लस 900 डबल चैनल का बोर्ड है। ठीक है, और गाइस आज हम इसकी फुल डिटेल देखने वाले हैं और देखेंगे कि ये बोर्ड कैसी परफॉर्मेंस हमें दे पाता है और इसके कैसे कनेक्शन होते हैं और इसका असलियत में इसका सच क्या है, क्या आप इससे 18 इंच की बेस भी चला सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि आप इससे 18 इंच स्पीकर ठीक है 18 इंच की बेस इससे चला सकते हो कि नहीं चला सकते हो, या फिर 15 इंच चला सकते हो या 12 इंच चला सकते हो। टोटल डिटेल आपको इसका असली सच में इसका पूरा चिट्ठा इस वीडियो में मैं खोलने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है इस बोर्ड का, जो आप लोग इस वीडियो में पूरा ही पूरा चिट्ठा देखेंगे, मतलब कि पूरी पूरी डिटेल देखेंगे। टोटल आपको डिटेल दिखाऊंगा बिल्कुल A to Z। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। और ठीक है, तो अच्छे से इसके बोर्ड के कनेक्शन वगैरह समझेंगे और फिर उसके बाद में मैं आपको इसकी पूरी डिटेल, मतलब पूरी डिटेल आपको दे देता हूँ। ठीक है, वीडियो फ्रेंड्स लास्ट तक ही देखनी है। ठीक है, स्किप मत करना वीडियो को, नहीं तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में वैसे दिक्कत पड़ती है। तो देख सकते हैं 18 इंच स्पीकर क्या हम इसे चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। ठीक है, और इसका बोर्ड का असलियत में क्या इसका सच है, मतलब कि ये बोर्ड इसकी प्रॉपर 900 वाट प्लस 900 वाट आउटपुट हमें दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। ठीक है, या फिर देगा तो कैसे देगा, या बेकार हो जाएगा, 2 ओम पर चलेगा या नहीं चलेगा, या 4 ओम पर तो गाइस चली जाते हैं क्लास डी, लेकिन ये 2 ओम पर भी सोटोवेल है या नहीं है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे आज इसकी पूरी डिटेल्स। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा आगे की ओर। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस भाई को सपोर्ट करो थोड़ा सा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि गाइस इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आगे के लिए आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस बोर्ड की डिटेल देखते हैं। तो गाइस, ये है हमारा क्लास डी 900 प्लस 900 वाट का बोर्ड। देखने में गाइस इस तरीके से है, देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है और आपको मैं बताऊँगा कि चलने में कैसा है। ठीक है, देखने में तो काफ़ी खूबसूरत बोर्ड है। तो गाइस, पहले हम इसके कनेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर इसकी पावर सप्लाई देनी है, तीनों खुट्टी धोरा के धोरा दी हुई है पास पास, पहली खुट्टी प्लस सप्लाई की दे रखी है। ठीक है फ्रेंड, जहाँ से मैंने ये प्रिंट उठाया है, तो इसलिए खुट्टी दे रखी है ग्राउंड की। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों खुट्टी हमारी पावर सप्लाई की हैं, और उसके बाद में तीसरी खुट्टी है हमारी ये वोल्टेज माइनस की है वाली। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों कनेक्शन हो जाते हैं हमारे पावर सप्लाई के, और सीधे से कनेक्शन है गाइस इस बोर्ड के, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और उसके बाद हम स्पीकर के तार देख सकते हैं, अलग अलग चैनल के अलग अलग स्पीकर के तार हैं, दो एक चैनल के, दो एक चैनल के। ठीक है, तो ये हमारे स्पीकर के तार। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इधर कैसे कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे कि हमको इसमें यहाँ पर देनी है 012 की DC सप्लाई। ठीक है, बस 012 की सप्लाई इसमें बोर्ड में ये है कि 012 की जो सप्लाई वो आपको एक ही जगह देनी है, अलग अलग चैनल को अलग अलग सप्लाई नहीं देनी है, एक ही जगह सप्लाई देनी है और दोनों चैनल में वहीं से चली जाएगी। और यहाँ पर आपको ऑडियो इनपुट देनी है, आप लोग अलग अलग इनपुट भी दे सकते हैं ऑडियो, या आप लोग दोनों में सेम इनपुट भी ऑडियो भी दे सकते हैं, मतलब कि अगर आप एक साथ चलाओगे तो सेम ही दोगे वैसे तो। ठीक है, तो गाइस आपको अलग अलग ऑडियो के ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन आपको पावर सप्लाई मतलब जो 12 वोल्ट DC देनी है वो दोनों बोर्ड को एक ही देनी है। ठीक है, और पावर सप्लाई भी दोनों को एक ही देनी है, पावर सप्लाई आपको अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग स्पीकर की आउटपुट आपको अलग अलग मिलेगी और ऑडियो आपको अलग अलग देनी है। तो गाइस ये है स्टूडियो बोर्ड है गाइस, डबल चैनल में है। ठीक है, स्टूडियो मतलब डबल चैनल, मोनो होता है सिंगल चैनल और स्टूडियो होता है डबल चैनल। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आप लोग देख सकते हैं सीधे सीधे इसके कनेक्शन है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि नहीं भूल पाए, ठीक है। और चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। तो गाइस ये फिर से हमने अपना बोर्ड रखा है, ठीक है, और हमें देखना है कि आप इसमें ट्रांसफार्मर कौन सा लगा सकते हैं जिससे कि हम प्रॉपर इससे 900,000 वाट के आसपास एक चैनल से ले पाए। तो गाइस इसमें आपको कम से कम 60-60, 25-30 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर यूज करना है। पर 60-60 की गुणा अगर आप 30 से करोगे तो 6×3=18, तो तब आपके दोनों चैनल 1800 वाट आपको दे पाएंगे, ठीक है, समझ गए। एम्पीयर की और वोल्टेज की गुणा होती है तब आपको वाट मिल पाते हैं। तो 60×25 या फिर 60×30 तब आपको 1800 वाट के आसपास आपको आउटपुट दे पाएगा। तो गाइस अगर आपका ट्रांसफार्मर बढ़िया होगा तो आपको आउटपुट भी प्रॉपर मिलेगी। तो गाइस आपको मैं बताऊंगा 60×25 या 30 एम्पीयर ट्रांसफार्मर यूज कीजिए। बात करते हैं पावर सप्लाई की। तो गाइस पावर सप्लाई आपको 4 कैपेसिटर की यूज करनी है, ठीक है, ये वाली आप ये वाली कर सकते हो या अपने हिसाब से बना कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये यूज़ कीजिए, जो आपके अच्छे लगे वो यूज़ कीजिए। बस शर्त ये है कि 10,000 माइक्रोफैरड के उसमें कैपेसिटर हो, 4 कैपेसिटर हो 100 वोल्ट के, ठीक है, 100 वोल्ट के 10,000 माइक्रोफैरड 4 कैपेसिटर कम से कम होने चाहिए, तब आपको साउंड की क्वालिटी मिल पाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। कम यूएफ के ना हो, कम वोल्ट के ना हो, ये तो फट जाएंगे नहीं तो, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद आपको एक इसमें बीटी बोर्ड लगाना होता है, ठीक है, आप लोग बीटी बोर्ड मैं बताऊंगा आपको कौन सा लगाना है। तो गाइस मेरे हिसाब से आप लोग ये वाला बीटी बोर्ड लगाइए। इसमें क्या है कि गाइस में बेस, ट्रबल, मिड और हाई काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी में है। बेस तो गाइस काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी में है। तो गाइस इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, यहाँ पर गाइस आपको देनी है 12012 जो कि एसी वोल्टेज देनी है, ट्रांसफार्मर के तार देने हैं सीधे 12012 के, ठीक है, जो कि आपको ट्रांसफार्मर में 12012 की सप्लाई मिल जाती है, 12012 और 60060, ठीक है। तो 12012 आपको यहाँ देनी है डायरेक्ट, आपको डीसी वगैरह कुछ नहीं करनी है, सब इसमें सिस्टम लगा हुआ है। और गाइस यहाँ पर आपको ऑडियो इनपुट देनी है इधर के साइड, और यहाँ पर आपको ऑडियो आउटपुट लेके बोर्ड को इनपुट दे देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये गाइस हमारे सीधे सीधे ट्रबल बोर्ड के कनेक्शन भी हो जाते हैं, बहुत ही सिंपल से कनेक्शन है। अगर गाइस आपको किसी भी सामान की कोई भी डिटेल अगर फुल तरीके से चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और बोर्ड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। कुछ भी सामान आप लोग ले सकते हैं इनमें से। और गाइस बात करते हैं स्पीकर की, आप लोग स्पीकर कौन सा चलाना है इस पर। तो गाइस अगर आपको इस पर 12 इंच के स्पीकर चलाने हैं, सिंगल चैनल की बात कर रहा हूँ, डबल की नहीं, सिंगल चैनल की। तो गाइस सिंगल चैनल पर आप लोग 12 इंच के 4 स्पीकर चला सकते हो 200 से 250 वाट के आराम से, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलेंगे 4 स्पीकर 200 से 250 वाट, ठीक है फ्रेंड्स, 12 इंची एक चैनल पर। और बात करें दूसरे चैनल की, तो दूसरे चैनल पर गाइस मतलब सॉरी बात करें अगर हम 15 इंची की, तो 15 इंची आप लोग 500 वाट के आराम से 2 स्पीकर चला सकते हो सिंगल चैनल पर, ठीक है। और गाइस चलिए आगे बताऊंगा। तो और अगर आपको 18 इंची स्पीकर चलाना है, तो गाइस 18 इंची का सिंगल स्पीकर सिंगल साइड पे आप लोग चला सकते हो, मतलब एक चैनल पर 1800 18 इंची बेस का स्पीकर 1000 वाट तक का स्पीकर चला सकते हो, 1000, 1100 वाट, 1200 वाट, ठीक है, आप लोग चला सकते हो। तो गाइस 18 इंची का स्पीकर भी आप लोग मतलब इससे बेस भी बजा सकते हो, एक चैनल पर एक स्पीकर होना चाहिए, एक चैनल पर एक स्पीकर होना चाहिए, बेस बजेगी बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ठीक है। और गाइस ठीक है आपकी समझ में आ गया होगा। और बाकी चलिए इस बोर्ड को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बोर्ड की गाइस क्वालिटी ठीक ठाक है और इसकी हीट सिंक वगैरह भी ठीक ठाक है, ठीक है, हीट सिंक वगैरह भी काफ़ी अच्छी दे रखी है। और गाइस इसके प्राइस की बात करें तो लगभग ये 4800-4900 के हिसाब प्राइस में ये बोर्ड पड़ता है, क्योंकि गाइस इसमें एक 900+900 में कुछ लो क्वालिटी का बोर्ड भी आता है, लेकिन मैंने लो क्वालिटी की वीडियो नहीं बनाई है, ये बिल्कुल हाई क्वालिटी का बोर्ड है, बिल्कुल ओरिजिनल बोर्ड है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको इसमें से कोई सा भी सामान चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से बात कर लेना, मुझसे बात कर लेना, या आपको लिंक दे दूंगा, आप लोग सीधा वहाँ से परचेस कर लेना। तो फ्रेंड्स वीडियो जो है आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बता के जाना, और तो किसी भी तरीके की कोई भी बात मालूम करनी हो तो कमेंट कीजिए, रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऐसे सपोर्ट कीजिए भाई को।